आपसी रंजिश के चलते पड़ोसियों ने पूर्व भाजपा पार्षद के घर किया हमला। बंगाली मोहल्ला में कोरी की मंडी में देर रात की घटना, ईंट लगने से पार्षदा की बेटी व बेटा हुए घायल। हमलावरों की पत्थरबाजी से कार भी हुई क्षतिग्रस्त। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हमलावरों को लिया हिरासत में। पार्षद ने बिना वजह हमले का लगाया आरोप। क्या नाम है जी और क्या झगड़ा हुआ और किसने क्या किया? हाँ जी, मेरा नाम पुष्पा वैश्य XMC। तो ये 3-4 दिन से जी ये लड़की है यहाँ। एक तो करम इसके माड़े हैं, गलत आदमी आते हैं, लड़कियाँ आती हैं 15-15 साल की, सारा मोहल्ला देखता है जी, पर कोई नहीं बोलता, हम लोग भी नहीं बोलते इस वजह से कि भैया झगड़ा करने वाले बंदे हैं। अब कल क्या हुआ, कल ये शुरू हो गई 10 बजे से 10:30 बजे गाली देने। हम लोगों ने खाना वाना खाया, बस ऐसे सड़क पे आए तो ये देखा गालियाँ दे रही थी, हम अंदर चले गए। हमने अंदर जाके अपना कुंडिया लगा के अंदर पड़ गए। हमने कहा ये अभी मेरी बहू है, उनका ऐसे पेट खराब हुआ तो बाहर टॉयलेट हमारा बाहर है। वो बाहर आई तो मेरे को कहने लगी मम्मी चलो। मैंने कहा अब तेरे को टॉयलेट आ रहा, वो देखो इतने है ना भाई गंद पा रहे हैं बाहर। तो मेरी बेटी कहने लगी चलो मैं चली जाती हूँ, सिविल में नौकरी करती है वो नेहा। तो वो कहने लगी मैं चली जाती हूँ भाभी के संग। वो जैसे ही बाहर आई ऊपर से इन्होंने ईंट मारी, उसके ईंट मारी, उसका सारा सर फट गया। फिर उसको सिविल में, और बेटे के भी जब चीख चिल्लाने की आवाज़ नहीं, सारा मोहल्ला इकट्ठा हो गया। फिर बेटा भी बाहर आया, बेटे के भी इन्होंने पता नहीं ऐसी क्या चीज़ ऊपर से मारी, उसका सारा हाथ कटा हुआ है। उसको 6-8 टाके उसके भी आए हैं और 17 टाके लड़की के सिर में आए। उसको PGI रेफर कर, पुलिस ने मामला दर्ज करवा दिया। पुलिस ने हाँ जी, पुलिस रात को जब हमने फ़ोन किया तो पुलिस आ गई थी। पुलिस पर भी ईंट पथराव खूब किए जी उन्होंने, पुलिस के सामने ही गाड़ी वगैरह तोड़ रहे थे, पुलिस के सामने ईंट पथराव किया उन्होंने। मतलब बहुत तरीके से पुलिस के काबू नहीं आई जी, बहुत मुश्किल से पुलिस के काबू आए। जब कई जिप्सियाँ आ गई, 5-6 जिप्सियाँ आईं और छतों से कूद कूद के पीछे भागे, लेकिन पुलिस वालों की बहुत हिम्मत थी कि पुलिस वालों ने जैसे वो छतों पे लोगों को कूद कूद के बाहर भागे हैं, तो पिछली साइड से पुलिस वालों ने दोनों साइड से घेरा डाल के तब कहीं जाके उनको पकड़ा जी। कितने लोगों को पकड़ा?